दोस्तों आज हम इंस्टॉल करेंगे एपेटियम विंडोज पे वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करके। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के लिए virtualbox.org पे जाएं। डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करें। वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज होस्ट पे क्लिक करें। इसे डाउनलोड करें। अब सेटअप पे डबल क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करें और अब इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये इंस्टॉल हो गया है। अब एपेटियम डाउनलोड करने के लिए apetium.org पे जाएं। डाउनलोड पे क्लिक करें। विकीज इंस्टॉलेशन पेज पे क्लिक करें और अब विंडोज के लिए एपेटियम वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करें। मैं .7zip फाइल डाउनलोड कर रहा हूं, आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करें, अपना वर्चुअल बॉक्स शुरू करें, न्यू पे क्लिक करें, इसे नाम दे एपेटियम और टाइप सिलेक्ट करें लिनक्स। नेक्स्ट पे क्लिक करें, रैम एडजस्ट करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, क्रिएट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर से क्रिएट पे क्लिक करें। अब सेटिंग्स पे क्लिक करें, स्टोरेज पे क्लिक करें, apetium.vdi पे क्लिक करें। अब चूज ए वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल पे क्लिक करें। अब हम सिलेक्ट करेंगे वो वर्चुअल डिस्क इमेज जो हमने डाउनलोड की थी apetium.org से, उसे ओपन करें। ओके पे क्लिक करें। अब स्टार्ट पे क्लिक करें, अपना टर्मिनल खोलें और अपनी पहली कमांड लिखें, sudo apt-bar-get-update। एंटर दबाएं, अपना पासवर्ड लिखें जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड apetium ही है। एंटर दबाएं। अब फायरफॉक्स खोलें। होम पेज मेन पेज होगा और इन 40 पेज में से आप कोई भी ट्रांसलेशन के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कमांड लिखें, sudo apt-bar-get-install apetium, इसके आगे पेयर का नाम जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं यहां पे ES का इस्तेमाल करूंगा। अपना पासवर्ड लिखें और एंटर दबाएं। ENES बदलेगा इंग्लिश को स्पेनिश में। अब इसे टेस्ट करने के लिए कमांड लिखें, echo hello world। apetium, इसके आगे पैकेज पेयर का नाम। इसने इंग्लिश को स्पेनिश में बदल दिया है, मतलब ये काम कर रहा है। अब svn यूज करने के लिए, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, फायरफॉक्स पे जाएं, मेन पेज पे Using svn पे क्लिक करें। इस कमांड को कॉपी करें और इसके आगे भी आप पेयर का नाम लिखेंगे जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो। पैकेज का नाम लिखें, मैं enca यूज कर रहा हूं। एंटर दबाएं। अब कंपाइल करने के लिए cd apetium enca लिखें, जो डायरेक्टरी चेंज करेगा।
और अब इससे कंपाइल करने के लिए कमांड लिखें डॉट स्लैश ऑटोजेन डॉट एस एच, एंटर दबाएं। अब मेक लिखें और एंटर दबाएं। अब इसे टेस्ट करने के लिए कमांड लिखें इको दिस इज टेस्ट सेंटेंस, अपेटियम स्पेस बार डी स्पेस डॉट आगे पैकेज का नाम ई एन बार सी ए, एंटर दबाएं। और ये देखिए इसने इंग्लिश को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब ये काम कर रहा है। और आगे की मदद के लिए आप आईआरसी पे डेवलपर से बात कर सकते हैं। इसके लिए xchat.irc पे डबल क्लिक करें, एपीवी बॉक्स पे क्लिक करें और अपने आप को निक नेम दें, ओके पे क्लिक करें। और अब आप डेवलपर से कनेक्ट हो चुके हैं और आप उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।